दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको फेसबुक पर एक ऐसे कॉपी पेस्ट रील का आइडिया बताने वाला हूँ जो कि पूरे यूट्यूब पर आपको कोई भी नहीं बताया होगा, क्योंकि आज आपको क्या करना है, सिंपल यूट्यूब से वीडियो को डाउनलोड करके और फेसबुक पर अपलोड कर देना है। कोई ज्यादा मेहनत नहीं करना, कोई अपना फेस ऐड नहीं करना, सिंपल से आपको अपना वॉइस ऐड करना है। या चाहो तो एआई का वॉइस भी यूज कर सकते हो। और किस टाइप का कॉन्टेंट है जो किसी ने अभी तक अपलोड नहीं किया है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये कोई इंडिया का कॉन्टेंट नहीं है, बाहर का चैनल है, बाहर की यूएसए कंट्री का चैनल है। और वहां से आपको यहाँ पर उस चैनल से वीडियो को उठाना है और सिंपल फेसबुक पर अपलोड करना है। लेकिन इसमें आपको कॉपीराइट का खतरा बहुत ज्यादा रहेगा। लेकिन अगर आप मेरी बताई ट्रिक से वीडियो में कलर ग्रेडिंग करोगे ना, आपको बिल्कुल कॉपीराइट नहीं आएगा। पहले आप प्रूफ देख लो, ये नॉर्मल वीडियो है जो कि मैं आपको बताने वाला हूं कि इस वीडियो को कहां से डाउनलोड करना है। एंड अब मैंने इसको कलर ग्रेडिंग किया और देखो भाई दोनों वीडियो की क्वालिटी देखो, आपको क्या लगता है इस वीडियो पर कभी कॉपीराइट आ पाएगा, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल ही चेंज कर दिया है भाई। तो इस तरह का कलर ग्रेडिंग आपको कैसे करना है सारा कुछ हम इस वीडियो में बात करने वाले। तो फिलहाल सबसे पहले तो हम बात करते हैं कैसे आपको इस तरह का कॉन्टेंट फाइंड करना है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर से देखिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपसे बिल्कुल नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी सी भी नॉलेज मिलेगी, थोड़ा सा भी कुछ आपको इस वीडियो में वैल्यू लगेगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेकिन इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ आपको कॉन्टेंट कैसे फाइंड करना है। तो अभी मैंने आपके सामने एक यूट्यूब चैनल ओपन करके रखा हुआ है, इसका नेम मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगा। आपको यहाँ पर इसका नेम कहाँ पता चलेगा वो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आप इसका वीडियो देख लीजिए, इससे आपको आइडिया हो जाएगा आपको किस टाइप कंटेंट बनाना है। देखिए ये यूट्यूब चैनल क्या करता है, यहाँ पर जो भी यहाँ पर खराब लकड़ी होती है या फिर कुछ यहाँ पर लकड़ी वाला वुड का काम हो गया उसका यहाँ पर वीडियो डालता है। देखिए यहाँ पर पटियों को लगा रहा है तो उसमें खिल टोकने का यहाँ पर देख सकते हो, टाइल्स लगाने का वीडियो और यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ पर ये वाले वीडियो इस तरीके का भाई, ये वाले वीडियो फेसबुक पर काफी ज्यादा देखा जाता है। लेकिन इस टाइप का वीडियो अभी तक किसी ने अपलोड नहीं किया होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस तरह के वीडियो उठाकर अगर फेसबुक पर डालते हो तो आपके अलावा कोई ऐसे दूसरा बंदा नहीं होगा जो इस कॉन्टेंट पर पहले से काम कर रहा होगा। अब देखिए इस चैनल का नाम मैं आपको यहाँ तो नहीं बता सकता, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां पर आप लोग जाइए लिंक पर क्लिक करके और सबसे पहले टेलीग्राम को ज्वाइन करना और वहां पर मैं इस चैनल का लिंक अपलोड कर दूंगा। वहां से आप लोग जाइए एंड इसके किसी वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। आप डाउनलोड कैसे करते हैं यूट्यूब वीडियो को तो वो मैं यहां पर नहीं बता सकता, आप यहां पर सिंपल यूट्यूब पर सर्च कर लेना, बहुत आसान प्रोसेस है। अब देखिए आपके पास वीडियो तो आ जाएगा, लेकिन उसे कॉपीराइट से बचाकर अपलोड करने तक बहुत ज्यादा प्रोसेस होने वाला है। तो आप लोग बस बिना स्किप के वीडियो को देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर कैपकट एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर लेना, क्योंकि कैपकट के बिना हम ऐसी हाई लेवल की कलर ग्रेडिंग नहीं कर सकते। और कैपकट इंडिया में बैन है तो आप एक वीपीएन जरूर से डाउनलोड करके ऑन कर लीजिएगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कैपकट एप्लीकेशन में एंड वहां पर मैं आपको बताता हूँ पूरे एडिटिंग एंड उसके बाद मैं आपको अपलोडिंग का प्रोसेस भी बता दूंगा। तो अब मैं आपको लेकर आ गया हूँ कैपकट एप्लीकेशन में। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको प्लस पर क्लिक करना है और प्लस पर क्लिक करने के बाद आपको वीडियो को सिलेक्ट कर लेना जो आप यहाँ पर अपलोड करना चाहते हो और यहीं से आपको वॉइस ओवर करना है। कैसे करना है वो मैं आपको लाइव बताऊंगा और स्क्रिप्टिंग आप कैसे करोगे तो यहाँ पर बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखिए बिना स्किप किए। सबसे पहले इस वीडियो का जो ओरिजिनल साउंड है उसको आपको म्यूट करना होगा, तो इसके लिए आपको म्यूट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना, ये वाला देख सकते हो। इसके बाद आपको इस वीडियो पर क्लिक करना है एंड देखिए इसे कॉपीराइट से बचाने के लिए देख सकते हो। अब ये बंदा क्या करता है, इसका जो हैंड है वो यहाँ पर लेफ्ट साइड पर है, लेकिन हमें इसको राइट में लाना होगा। कैसे लाएंगे तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है, नीचे आपको ऑप्शन देखता है ट्रांसफॉर्म का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखा है मिरर का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब देख सकते हो वीडियो का पूरा पोर्शन चेंज हो गया, कॉपीराइट की झंझट बिल्कुल खत्म हो गया है। बस आप इसमें कलर ग्रेडिंग और कर दोगे ना तो आपके ऊपर बिल्कुल ही चांस नहीं रहेगा कॉपीराइट आने का। तो यहाँ पर आपको कलर ग्रेडिंग करने के लिए एक ऑप्शन दिखेगा फिल्टर का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और इसके बाद आपको यहाँ पर सीनरी पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा मोटिव फोल्ड, देख सकते हो इसी फिल्टर को आपको सिलेक्ट करना है जिससे आपका जो वीडियो है उसमें यहाँ पर 4K HD का लुक आ जाएगा। अब आपको नीचे एक लाइन दिख रही होगी, इसको आपको पूरा 100 कर देना है एंड अपलाई टू ऑल पर क्लिक कर देना है। अब आपको टिक करके वापस आ जाना है, देख सकते हो एक ऑप्शन और दिखेगा यहाँ पर आपको एडजस्ट का, इस पर आपको क्लिक कर देना है एंड कंटेस्ट पर जाकर इसको आपको बढ़ा देना है 10% तक। सैचुरेशन को आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है, शार्पनेस को आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है एंड HSL पर अब आपका मेन काम होने वाला है। यहाँ पर जो सारे कलर्स है उनका यहाँ पर देख सकते हो 10% या 20% तक आपको बढ़ा देना है सैचुरेशन। और यहाँ पर जो लुमिनेस है यहाँ पर देख सकते हो लाइटनेस इसको आपको कम कर देना है 15% तक। और यहाँ पर जो सेकंड वाला कलर है इसको आपको नहीं छेड़ना है, इससे आपका वीडियो पूरा बेकार हो जाएगा। इसे छोड़कर आगे कलर पाते हैं और सेम यहाँ पर सैचुरेशन को बढ़ाएंगे और लाइटनेस को कम करेंगे। इस तरीके से सारे कलर को एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए एक एक करके मैं कर लेता हूँ, तब तक आप लोग भी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अभी आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। तो देखिए मैंने सारे कलर को एडजस्ट कर लिया है,
अब आपको करना है देखिए यहाँ पर आपको जाना है स्क्रॉल करते हुए हाईलाइट पर, इसको थोड़ा सा बढ़ाकर अपना डोर पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके वीडियो में नेक्स्ट लेवल का कलर ग्रेडिंग हो जाएगा। अब सारा खेल बचता है आपका वॉइस ओवर का, आपको ऐड वॉइस पर जाना है और यहाँ से रिकॉर्ड पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको अपना लाइव वॉइस ओवर ऐड करना है, आप चाहो तो पहले से वॉइस ओवर कर लेना एंड दोबारा भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं आपको लाइव वॉइस ओवर करके दिखाने वाला हूँ। एंड देखिए आप लोग कहोगे भाई स्क्रिप्टिंग कैसे मिलेगी, तो देखिए स्क्रिप्टिंग आपको कोई नहीं मिलेगी भाई, जो आपका रियलिटी है ना वैसे वॉइस में आप यहाँ पर वॉइस ओवर करो। जैसे कि मैं यहाँ पर वॉइस ओवर करके आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पर मैं बोलने वाला हूँ दोस्तों यहाँ पर ये लकड़ी सड़ जाती है, तो ये बंदा इसे रिपेयर करने के लिए इस पट्टी को पहले निकालता है और दूसरी लकड़ी लगाकर यहाँ पर स्क्रू कस देता है और फिर एक और लकड़ी लगाता है यहाँ पर और आगे इस तरह का बड़ा बड़ा स्क्रू कस देता है यहाँ पर ड्रिल से, देख सकते हो। और इसके बाद यहाँ पर इसमें एक जाली सी कस देता है, नट कसता है ये सब। तो देखिए वॉइस ओवर आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अब मैं आपको लाइव करके भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए रिकॉर्ड पर क्लिक करता हूँ एंड अब आप लोग देखिएगा यहाँ पर परमिशन दे देते हैं एंड देखिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये लकड़ी सड़ जाती है, तो ये बंदा सबसे पहले लकड़ी को हटा देता है, टूटी हुई लकड़ी को, और नई लकड़ी को लगा देता है, उसके बगल में एक लकड़ी को और लगाता है और बड़े बड़े छेद कर उसमें दो बड़े बड़े खीले लगाने लगता है। और खीले लगाने के बाद दोस्तों ये इस साइड पर एक स्क्रू को लेने वाला होता है और इस तरीके से उसमें बोल्ट कस देता है। दोस्तों बोल्ट कसने के बाद अब ये एक बड़ी सी पत्ती को लेता है और स्क्रू की सहायता से दोनों पट्टियों में बड़ी आसानी से इसको कस देता है, जिससे यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कितनी आसानी से यहाँ पर टूटी हुई लकड़ी को इसने जोड़ दिया है, देख सकते हो भाई मैंने इस तरीके से वॉइस ओवर कर दिया है। अब आपको इस वॉइस में थोड़ी सी कमी लग रही होगी, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो देख सकते हो स्टार्टिंग में मैंने खाली पार्ट है, तो इसको आप क्या कर सकते हो यहाँ पर आ जाइए एंड स्प्लिट करके बाकी पार्ट को डिलीट कर दीजिए स्टार्टिंग का एंड इसको डिलीट कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको वॉइस पर क्लिक करना है और इस पर इफेक्ट देना होगा, इफेक्ट से पहले आपको इसका नॉइस रिडक्शन करना होगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, देखिए स्क्रॉल करके नॉइस रिड्यूस पर क्लिक कीजिए, इसको इनेबल कर दीजिए और टिक पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको वॉइस ओवर खत्म हो जाता है, कहाँ यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आ जाते हैं, वॉइस ओवर यहाँ पर खत्म हो गया, तो स्प्लिट करेंगे और बाकी पार्ट को डिलीट कर देंगे। इस तरीके से वीडियो पर क्लिक करके स्प्लिट करेंगे, बाकी पार्ट को डिलीट कर देंगे और लास्ट में देख सकते हो यहाँ पर बॉर्डर मार्क आ रहा है कैपकट का, तो उसको क्लिक करके आपको डिलीट भी कर देना है। अब देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप इसको यहाँ पर शेयर पर क्लिक कीजिए एंड हाई क्वालिटी वगैरह आप सिलेक्ट कर लीजिए और सिंपल से यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दीजिए। अब जब तक आपकी वीडियो एक्सपोर्ट रहा है तब तक आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अब मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको इस वीडियो को फेसबुक पर अपलोड करना है, क्या प्रोसेस होने वाला है, क्या कीवर्ड हैशटैग लगाने हैं, कितने टाइम अपलोड करना है, कितने वीडियो अपलोड करना है, सारा कुछ मैं आपको अब आगे डिटेल से बताने वाला हूँ। तो जब तक यहाँ पर वीडियो एक्सपोर्ट रहा है तब तक हम थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा वीडियो एक्सपोर्ट हो गया है, अब आपको क्या करना है देखिए यहाँ पर आपको आ जाना है फेसबुक पर और यहाँ पर आपको क्या करना है देखिए सिंपल से प्लस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर रील पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने उस रील को सिलेक्ट करेंगे जो हमने एक्सपोर्ट किया है और इसे सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पर कोई टाइटल लिख देना है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ यहाँ पर देखिए वुडवर्क, इसके बाद कोई इमोजी ऐड कर देते हैं एंड हैशटैग आपको 5 से ज्यादा यूज नहीं करना है। देखिए यहाँ पर 3 से 4 हैशटैग फेसबुक से रिलेटेड रहेंगे, देखिए यहाँ पर पहला हैशटैग लगा देते हैं एफ बी रील्स एंड दूसरा हैशटैग लगा देते हैं यहाँ पर देखिए रील्स और इसके बाद तीसरा हैशटैग लगाएंगे यहाँ पर देखिए रील्स वायरल, 3 हैशटैग सेम रहेंगे उसके बाद। और अगला हैशटैग है आप अपने वीडियो के हिसाब से लगा सकते हो, मैंने वुडवर्किंग लिख दिया है और फिफ्थ वाला लास्ट हैशटैग आप वायरल लिख दीजिए। इस तरीके से भाई देखिए 4 से 5 हैशटैग लगा देने हैं एंड इस तरह से आपको सुबह और शाम 2 वीडियो अपलोड करना है, चाहो तो 3 भी कर सकते हो। और देखिए यहाँ पर आपको वॉइस ओवर अच्छे से करना होगा क्योंकि वीडियो अपलोड करने से कुछ नहीं होगा, वीडियो को लोग देखना भी चाहिए तभी आपका वीडियो वायरल होगा। और दोस्तों इसकी जो लेंथ है वो आपको 30 सेकंड से ज्यादा नहीं रखनी है। अब सिंपल से इसको शेयर नाउ पर क्लिक करके अपलोड कर देते हैं। आई होप दोस्तों आपको सब कुछ समझ आया होगा, फिलहाल कोई डाउट हो एंड आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करने की तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। फिलहाल मिलते हैं मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के जय हिंद एंड वंदे मातरम।